नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई वीडियो या रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप सब लोगों को मिल जाए। महाराष्ट्र में चुनाव है और जो चुनावी गर्मी है वो सातवें आसमान पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का राजनीतिक दौर तो चल ही रहा है और आमने सामने है एमवीए और महायुति। एमवीए जिनको मैं महाविनाश वसूली अघाड़ी बोलती चली आई, जिनका मैंने पुरजोर सदैव विरोध किया जब वो सत्ता में रहे तब भी और जब सत्ता से उतर गए तब भी। दूसरी तरफ है महायुति जिसमें तीन मुख्य घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना। आज महायुति के ही एक घटक दल की बात की जाएगी, यानी कि अजित पवार वाली एनसीपी की, और उनके एक सीनियर नेता उनके हिसाब से जो रहे हैं ऐसे नवाब मलिक की। नवाब मलिक जब एमबीए की सरकार थी तब महाराष्ट्र में मंत्री थे, तब भी मैंने नवाब मलिक का पुरजोर विरोध किया था, आज भी कर रही हूं और सदैव करती रहूंगी, क्योंकि नवाब मलिक 2022 में जेल गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और मामला छोटा मोटा नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उनके डायरेक्ट कनेक्शन का था, यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिल करके धंधा पानी करना, वही दाऊद जिसने मुंबई ब्लास्ट करा के मुंबई को दहला दिया था, उनके साथ ही रहे हैं नवाब मलिक। ऑलमोस्ट पौने दो साल से ज्यादा जेल में रह करके 2024 में मेडिकल ग्राउंड्स पर नवाब मलिक को बेल मिली, और जब वो बेल पर बाहर आए तो उन्होंने शरद पवार का दामन छोड़ दिया और अजित पवार वाली एनसीपी में चले गए। अब जब चुनाव की बात आई तो तब अजित पवार से उन्होंने टिकट मांगा विधानसभा लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, भाजपा ने बोला कि नहीं, जिस व्यक्ति का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है, अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रहा है, उस व्यक्ति को हमारी तरफ से यानी हमारे घटक दल में से कोई भी टिकट दे वो हमें स्वीकार्य नहीं होगा। पुरजोर विरोध किया लेकिन अजित पवार नहीं माने। अजित पवार ने फाइनली टिकट दे दिया नवाब मलिक को। नवाब मलिक ने दो तरीके से पर्चे भरे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और एक अजित पवार का जो सिंबल है पार्टी का उसके अंदर, और फाइनली अजित पवार ने टिकट उनको दे दिया और इस वक्त मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर से वो पर्चा भर चुके हैं, यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बहुत नाराजगी हो गई भारतीय जनता पार्टी को, और खुलेआम मुखर शब्दों में भाजपा इसका विरोध कर रही है, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसका मैं समर्थन करती हूं, और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देती हूं कि वो अपने ग्राउंड्स पर खड़े रहे। पहले तो मुंबई के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और एमएलए भी हैं आशीष सेलार, उन्होंने यह बोला कि नवाब मलिक का हम समर्थन नहीं करते हैं, कुछ भी हो जाए हम नवाब मलिक का सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि हमारा रुख दाऊद व दाऊद से जुड़े लोगों के लिए साफ है, हम उनके लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे, अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद के किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट मिलेगा तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और यही बात देवेंद्र फडणवीस जी जो उप मुख्यमंत्री रहे इस समय सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी साफ कर दिया। एक कॉन्क्लेव में थे और उन्होंने बोला कि आशीष सेलार जी ने जो बात बोली है मैं उसी को दोहरा रहा हूं, हमारा नवाब मलिक से कोई लेना देना नहीं, हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे, हम नवाब मलिक का सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि उसी सीट से एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वहां उन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, अगर वो रहेंगे खड़े तो फिर बीजेपी उन्हीं का समर्थन करेगी, नवाब मलिक का कतई नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, मामूली भ्रष्टाचार की बात नहीं है हिंदुस्तान, हालांकि भ्रष्टाचार होता है, मामूली और नॉन मामूली नहीं होता है, लेकिन फिर भी नवाब मलिक ने न केवल भ्रष्टाचार किया अपितु अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथ दिया, उसके पैसे को लेजिटिमेट किया,
उसके धंधे में उसका सहयोग किया और दाऊद ने जो नवाब के माध्यम से सहयोग के तौर पर पैसा मिला उसी का प्रयोग मुंबई और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए किया। तो वो नवाब मलिक कैसे विधायक बन सकता है? और अजित पवार जी को भी इस व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए था। आपकी राजनीति जो वाली जो गणित है वो गई तेल लेने। राजनीति राजनीति का गणित आपकी पार्टी इस देश और महाराष्ट्र से ऊपर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए था। भाजपा ने पुरजोर विरोध किया लेकिन उसके बाद उन्होंने टिकट दे दिया। एंड ऑफ द डे इट इज हिज पार्टी, ही इज द बॉस, ही ओन्स द पार्टी, सो ही वी इज द वन हु विल कॉल द शॉट्स एंड ही विल डिसाइड किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। एंड उन्होंने केवल नवाब मलिक को नहीं दिया टिकट बल्कि नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक उसको भी टिकट दिया है अनुशक्ति नगर से। गजब पॉलिटिक्स है। लेकिन हिंदुस्तान 100 बात की एक बात है कि नवाब मलिक महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति के लिए ठीक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए मैंने आरंभ में ही अपना मत साफ किया कि मैं तब भी इनका विरोध करती थी और आज भी करती हूं। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई तब भी जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल प्रयोग नवाब मलिक ने किया वो भी मैं कभी नहीं भूलती, वो आज तक मेरे दिल में चुभा हुआ है। क्योंकि सुशांत के लिए अगर किसी ने सबसे पहले बाहर से आवाज उठाई तो वो मैं थी। और कुछ लोगों के बारे में जो विरोध रहता है ना वो सदैव रहता है और वही विरोध आज मैं फिर से दर्ज करा रही। और इसीलिए मुझे लगा कि नवाब मलिक के बारे में मुझे आप लोगों के बीच में अवश्य बात करनी चाहिए। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि यह सही है कि नवाब मलिक मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, वो फिर से विधायक बनेंगे? मंत्री तो खैर वो नहीं बनेंगे, वो भूल जाए, लेकिन विधायक भी बनना क्या स्वीकार्य है? क्या क्या सही है? क्या हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे, कदापि मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे, उनके जीतने के आसार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लोग उनके इस रवैये को भूले होंगे, लेकिन जिस गणित के चलते अजित पवार ने उनको ये टिकट दिया है वो गणित क्या करे, ऊंट उस गणित के माध्यम से किस करवट बैठे, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। समुदाय विशेष वाली जो गणित है वही गणित है। अब वो गणित अन्याय के ऊपर अपनी बढ़त बढ़ाती है, न्याय पर भारी पड़ती है, ये देखने वाली बात है और ये हम लोग देखेंगे। खैर मेरे लिए तो वो गलत व्यक्ति है, आज भी है, कल भी थे और सदैव रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वक्त इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।